आज हम कुरान के दूसरे चैप्टर की चंद आयात का तफसीर करेंगे, सूरह अल बकरा तार। ये कुरान करीम की सबसे लंबी सूरत है। इसकी आयात 67 से 73 में इस गाय का वाकया मजकूर है जिसे ज़बह करने का हुक्म बनी इसराइल को दिया गया था। इसलिए इस सूरत का नाम सूरतुल बकरा है, क्योंकि बकरा अरबी में गाय को कहते हैं। सूरत का आगाज इस्लाम के बुनियादी अकायद यानी तौहीद, रिसालत और आखिरत के बयान से हुआ है। इसी ज़मन में इंसानों की तीन किस्में यानी मोमिन, काफिर और मुनाफिक बयान की गई है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाकया बयान फरमाया गया है ताकि इंसान को अपनी पैदाइश का मकसद मालूम हो। इसके बाद आयात के एक तवील सिलसिला में बुनियादी तौर पर खिताब यहूदियों से है जो बड़ी तादाद में मदीना मुनूरा के आसपास आबाद थे। उन पर अल्लाह ताला ने जो नामतें नाजिल फरमाए और जिस तरह उन्होंने नाशकरी और नाफरमानी से काम लिया उसका मफसल बयान है। पहले पारा के तकरीबन आखिर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, इसलिए कि उन्हें न सिर्फ यहूदी और ईसाई बल्कि अरब के बतप्रस्त भी अपना पेशवा मानते थे। इन सबको याद दिलाया गया कि वो खालिस तौहीद के कायल थे और उन्होंने कभी किसी कसम की शर्त को गुवारा नहीं किया। इसी ज़मन में बैत अल्लाह की तामीर और उसे कबला बनाने का मौजू ज़ेर बहस आया है। दूसरे पारा के शुरू में उसके मुफस्सल अहकाम बयान करने के बाद इस सूरत में मुसलमानों की इंफरादी और इज्तिमाई जिंदगी से मुतालिक बहुत से अहकाम बयान फरमाए गए हैं, जिनमें इबादत से लेकर मुआशरत, खानदानी उमूर और हुक्मरानी से मुतालिक बहुत से मसाइल दाखिल हैं। ये सूरत मदनी है और उसमें 286 आयत हैं और 40 रुकू है। मुख्तलिफ सूरतों के शुरू में ये हरूफ इसी तरह अलग अलग नाजिल हुए थे, उनको हरूफ मक्तआत कहते हैं। और सही बात यह है कि उनका ठीक ठीक मतलब अल्लाह ताला के सिवा किसी को मालूम नहीं। ये अल्लाह ताला की किताब का एक राज है जिसकी तहकीक में पढ़ने की जरूरत नहीं और अकीदे या अमल का कोई मसला उनके समझने पर मौकूफ नहीं। यानी इस किताब की हर बात किसी शक व शबह के बगैर दर्शत है। इंसान की लिखी हुई किसी किताब को 100% शक से बालातर नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इंसान कितना ही बड़ा आलम हो उसका इल्म महदूद होता है और अक्सर उसकी किताब उसके ज़ाती गुमान पर मबनी होती है। लेकिन चूंकि ये किताब अल्लाह ताला की है जिसका इल्म लामहदूद भी है और सुफिस्त यकीनी भी, इसलिए उसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। किसी को शक हो तो ये उसकी नासमझी की वजह से होगा। किताब की कोई बात शबह वाली नहीं। अगरचा कुरान करीम ने सही रास्ता हर एक को दिखाया है, हवा वो मोमन हो या काफर, इसलिए उस मानी के लिहाज से उसकी हदायत सबके लिए है। लेकिन नतीजे के एतबार से देखा जाए तो उस हिदायत का फायदा उन्हीं को पहुँचता है जो उसकी बात को मानकर उसके तमाम अहकाम और तालीमात पर अमल करें। इसलिए ये फरमाया गया कि ये हिदायत है डर रखने वालों के लिए जो बेदेखी चीजों पर ईमान लाते हैं। डर रखने का मतलब ये है कि इंसान ये बात हमेशा पेश नजर रखे कि उसे एक दिन अल्लाह के हुजूर अपने तमाम अमाल का जवाब देना है, लिहाजा मुझे कोई काम ऐसा न करना चाहिए जो कि नाराजी का बाइस हो। उसे खौफ और ध्यान का नाम तकवा है। बेदेखी चीजों के लिए कुरान करीम ने गैब का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है। उससे मुराद वो चीजें हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते, न हाथ से छूकर या नाक से सूंघकर इन्हें महसूस किया जा सकता है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की वही के जरिए मालूम होती हैं। यानी या तो कुरान करीम में उनका जिक्र है या अनहजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के जरिए वो बातें मालूम करके हमें बताई है। मिसाल अल्लाह ताला की सिफात, जन्नत व दोजख के हालात, फरिश्ते वगैरह। यहाँ अल्लाह के नेक बंदों की ये तारीफ की जा रही है कि ये लोग सिर्फ अल्लाह ताला और उसके रसूल के अरशादात पर यकीन करके इन चीजों को दिल से मानते हैं जो उन्होंने आंखों से नहीं देखे। ये दुनिया चौंकी इम्तिहान की जगह है, इसलिए अगर ये चीजें आंखों से नजर आ जाते और फिर कोई शख्स उन पर ईमान लाता तो कोई इम्तिहान ना होता। अल्लाह ताला ने इन चीजों को इंसान की निगाह से पोशीदा रखा है, लेकिन उनके वजूद के बेशुमार दलाइल महिया फरमा दिए हैं कि जब कोई शख्स जरा इंसाफ से गौर करेगा तो इन बातों पर ईमान ले आएगा और इम्तिहान में कामयाब होगा। कुरान करीम ने भी वो दलाइल बयान फरमाए हैं जो इंशा अल्लाह आगे आते रहेंगे। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि कुरान करीम को हक तलबी के जज्बे से गैर जानिबदार होकर सुना जाए और ये ख्याल दिल में रखा जाए कि ये मामला ऐसा नहीं है कि उसमें लापरवाही बरती जाए। ये इंसान की हमेशा की जिंदगी की बेहतरी और तबाही का मामला है। लिहाजा ये डर दिल में होना चाहिए कि कहीं मेरी नफसानी ख्वाहिशात कुरान करीम के दलाइल ठीक ठीक समझने में रुकावट न बन जाए, इसलिए मुझे उसकी दी हुई हदायत को तलाश हक के जज्बे से सुनना चाहिए और पहले से दिल में जमे हुए ख्यालात से जहन को खाली करके सुनना चाहिए ताकि मुझे वाकई हदायत नसीब हो। ये हदायत है डार रखने वालों के लिए का एक मतलब ये भी है। وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
जो लोग कुरान करीम की हदायत से फायदा उठाते हैं, यहाँ इनकी सिफात बयान फरमाई गए हैं। इनमें से सबसे पहली सिफत तो ये है कि वो गैब या अनदेखी चीजों पर ईमान लाते हैं, जिसकी तफसील पीछे गुजर चुकी। इसमें तमाम ईमानियात दाखिल हो गए, जिसका खलासा ये है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया या जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्शाद फरमाया, इस सब पर ईमान लाते हैं। दूसरी चीज नमाज कायम करना बयान की गई है, जो बदनी इबादतों में सबसे अहम है। और तीसरी चीज अपने माल में से अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना, जिसमें ज़कात और सदक़ात आ जाते हैं, जो माली इबादत है। अल्लाह हाफिज़।